हम जा रहे हैं बंसी नारायण मंदिर। यह है चमोली क्षेत्र में पड़ने वाला बंसी नारायण मंदिर। ये हमारे बेस्ट दोस्त सुमन सिंह जिनके घर पे रहे हम। 1 किलो कल मटर लेला। देखो गाइज, पहाड़ों की कुछ बात ही कुछ और है। कहीं लाल गुरांस के फूल है, कहीं पे दूसरे कलर के गुरांस के फूल है। देखो जंगल से जाते हुए हम बंसी नारायण मंदिर। सुमंत भाई कैसे लग रहा है आपको दोस्तों के साथ है? हमारे यहाँ ट्रैकिंग रही है। कल परसों हम कल्पेश्वर महादेव मंदिर गए थे, जहाँ पे हमने शिव की जटाओं का ध्यान किया। आज हम यहाँ वंशी नारायण मंदिर, जो कि ऊपर आपको बर्फ दिखाई दी जाए, बर्फ दिखाएंगे। यह है पूरा व्यू चमोली का। नीचे है कलकोट गांव। कलकोट गांव से 30 किलोमीटर ऊपर है वंशी नारायण मंदिर, जो कि नारायण भगवान के लिए प्रसिद्ध है। ये देखो गाइस, ये व्यू। ये हमारे पंडित जी आचार्य जी हैं। पंडित जी को लेके हम साथ में ही घूमते, ताकि पूजा पूजा भी हो, हवन उवन भी हो जाए। ये हमारे पंडित जी है, उनका बैग है, इसमें 10 प्रकार की मिठाई रखी हुई है चंदन के साथ, और एक 3 पुराण रखे हुए हैं। ये हमारे पंडित जी सब चीज के जाता है। ये नेगिदा है हमारे, डंडा लेते हुए आते हुए भगवान के दर्शन करते हुए। उम्र तो काफी नहीं गई। नहीं ऐसा, ये देखो गाइस, ये बड़े बड़े 5 के वृक्ष, ये ऊपर पहाड़ी है। ये हमारे नेगिदा है पौड़ी ब्लॉक से, ये पीछे जो आ रहे हैं डंडा लेके, ये भी यात्रा पे है। इनके पास छोटा डंडा दे रखा हमारा, ताकि ये इस चढ़ाई को पार कर सके। ये है हमारे सुमंत भाई साहब, जिन्होंने हमारी पूरी सेवा की, 3 दिन से हमारा साथ दिया, अपने क्षेत्र में आने का पूरा योगदान दिया। इनको अगले साल सोच रहे विदाई के लिए उठाया जाए। अभी उम्र वैसे कम है, 17 साल के है, लेकिन ये देखो गाइस, ये प्रांस के फूल है। ट्रैकिंग में हम रोटी वगैरह पैक करवा के ला रखे हैं। ये लाल से दूसरे कलर वाले प्रांस के फूल है, इसमें गुलाबी कलर का जूस बनता है और लाल वाले में लाल कलर का जूस बनता है। तो गाइस, अगर आपको जूस पीना है और प्रांस का आनंद लेना है, एक बार इन वादियों में आना पड़ेगा। उस गाने में इन पहाड़ों का जिक्र बहुत सारे गानों में किया गया है। ये उन गानों में किया गया जो आज भी लोकप्रिय है। ये देखो इन वादियों में गाना याद आ रहा है, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना भी। गाइस थोड़ा सांस फूल लिए, क्योंकि चढ़ाई यहाँ बहुत ज्यादा है। ये सुमंत भाई के बैग में खाने पीने की व्यवस्था भी है, ट्रैकिंग के समय में भूख लग सकती है। तो अभी हम कल्पेश्वर से जा चुके हैं, वहाँ की वीडियो बना नहीं पाए हम। अभी हमने एक शादी का आनंद ले लिया, एक शादी का और मंदिरों का भी। 5 दिन का बहुत अच्छा सफर रहा हमारा। ये देखो गाइज, यहाँ वंशी नारायण का आधा ट्रिप हम क्रॉस कर चुके हैं। ये सामने डुमक गांव है, माधव रुद्रनाथ का मंदिर यहाँ सामने है, और ऊपर ये देखो ये हिमालय पर्वत है, जहाँ बर्फ है, इसी ऊपर किसे रहे अरे रुद्रनाथ जी, वही पहाड़ियों के नीचे है।
देवी चलिए हमारे आचार्य जी पूजा पूजा सारे कर्म कांड करते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। सुमंत भाई जिन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की, 3 दिन से कोई कमी नहीं छोड़ी। इन्होंने अपने घर में रहने परिवार की तरह हमारी देख रेख की है। ये हमारे छोटे भाई है और ये सामने ये देखो गए ये निगिदा है। गाइस ये है सुमंत, इस लकड़ी को क्या बोलते हैं? ये है रिंगाल की लकड़ी, डंडी है बारीक वाली, इससे टोकरिया वगैरह बुनाई जाती है। देखो कितनी लंबी लकड़ी। ये है छोटे रास्ते में स्थानीय देवता है, जो छोटे देवता है जो लोग यहाँ पे भी पूजा वगैरह करते हैं। ये अभी ऊपर पहाड़ी पे चलेंगे हम, ऊपर आपको सभी को ग्लेशियर दिखाएंगे। गाइस ये रहा सामने वाला नज़ारा, ये देख सकते हो आप कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ सामने हिमालय पर्वत की वादियों में घूमते हुए ये, कल तो काफ़ी बारिश हुई है, बहुत ठंडा है गाइस। यहाँ ये निगिदा है हमारे, जिसे चल नहीं पा रहे, थोड़ा मतलब दिक्कत हो रही पहाड़ी पे चढ़ने में। 2 गिलास तो इन्होंने पसीना ही निकाल दिया यहाँ से ऊपर आते आते। और ये सुमंत भाई उन्हें डंडी पकड़ाते हुए ये सुमंत भाई की बैग की पूरी व्यवस्था कर रखी है हमारे, कि रास्ते में हम खाना खुना बनाएंगे, इसमें हमारे रोटी वगैरह काफी मैगी बनेगी, टमाटर प्याज सब चीज रखी हुई है ताकि हमें ऊपर। गाइस जब हम मैगी बनाएंगे वो भी दिखाएंगे आपको, सब चीज दिखाएंगे, यहाँ किसी को घूमने आना होगा। येलंग से यहाँ होगा, येलंग से 50 किलोमीटर है गाइस। यहाँ गाइस ये नदी से हम उतरते हुए सबके सब सारे लोग डंडा हाथ में ले, इस नदी को हमें 7 बार पार करना होगा। अलग अलग जगहों में नदी मिलेगी हमें। ये देखो कितने बड़े बड़े विशाल पेड़ गिर रखे हैं यहाँ। ये देखो ये सुमंत भाई जी बैठे हुए हैं, ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना कुदरत ने एक अनोखे अंदाज में बनाया है जो कि ये प्राकृतिक धरोहर है। गाइस ये देखो ये थोड़ा चलने में दिक्कत आ रही है। गाइस ये साफ पानी है यहाँ पे, हम थोड़ा सा पानी पियेंगे। देखो गाइस ये व्यू है, अभी हमें इस नदी को 7 बार का पार करना पड़ेगा। ये देखो कितने पतले, ये देखो कितने जंगल से आ रखी है नदी, ये विशाल विशाल पेड़ गिर रखे हैं यहाँ पे। नारायण जाने के लिए इसी नदी को, जो ये नदी बह रही है, इसको 7 बार पार करना पड़ेगा हमें। 7 नदियों को पार करने, 7 बार इसे पार करने के बाद हमें वंशी नारायण वंशी भगवान के दर्शन हो गया। मान्यता के अनुसार जो वंशी नारायण मंदिर है वहाँ से बद्रीनाथ मंदिर पहले पूर्ण रूप से दिखाई देता था, एकदम बद्रीनाथ मंदिर दिखाई देता था मान्यता है। लेकिन किंतु कहा जाता है स्थानीय लोगों का मानना है जो वंशी नारायण मंदिर जो उन्होंने नीचे से कुत्ता भौंका वाला उन्होंने पर्वत छोड़ दिया वाला यही पे, तो उसके बाद बद्रीनाथ की निरा यहाँ से स्थानीय लोगों का कहना यही है, बाकी वो